response from the audience. What I'm kind of. Is it? Because yeah. I haven't been able to see the response on social media. Oh, lovely. Awesome. So, what kind of comment you're getting from a friend from industry participant? Yeah, मुझे honestly trailer का response तो मैं देख ही नहीं पाई हूँ because I've just been so busy with all of this. I haven't had the time to look at my phone. But मैं teaser के response की बात कर सकती हूँ जो एक हफ्ते पहले आया था. उसका a lot of my friends who didn't even know about the film, उन्होंने मुझे call करके या message करके बोला कि यार बहुत अच्छा लग रहा है and it's looking damn cool and you know it is arousing interest जो कि एक teaser का काम होता है. So I think it's doing well. Okay, ma'am. In this movie, you're playing a lesbian character. Have you done any research on your character? Yes. So actually, I come from a background of psychology, जहाँ पे मैंने gender studies as a subject पढ़ा है, और मुझे एक inherent interest है उसमें. तो and sexuality being a part of gender identity. तो मुझे मैंने इस पे बहुत material already मैंने पढ़ा हुआ था, पर मैंने और पढ़ा. मैंने बहुत सारे videos देखे. मैंने also मैंने अपने जो मेरे gay friends हैं boys and girls, उनसे बात की, उनसे पूछा और उनकी journey को समझा. And of course I used to constantly bother Farooq जो हमारे director हैं उनसे कि अरे ये कैसे करें whatever. So I think वो सब का mix होके एक मिश्रण जो बना है वो आप screen पे देखेंगे. Okay, film की बात करें तो आज का बहुत सी concept driven film हो चुकी है. अलग अलग concept आ रहे हैं, various character ला रहे हैं, concept ला रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या take? नहीं यार, अच्छी बात है. जितनी अलग अलग किस्म की स्टोरीज आए बाहर उतना बेटर है. जितनी अलग अलग तरीके से, जैसे अब एक फिल्म होती है जो इसीलिए चलती है या इसीलिए हमें अच्छी लगती है कि या तो उसका कॉन्सेप्ट अलग हो या कोई पुराना कॉन्सेप्ट जो बहुत ही अलग नए तरीके से दिखाया जाए. तो क्योंकि दुनिया में इतने ही, देर आर ओनली सो मेनी आइडियाज़ इन द वर्ल्ड, तो बस वही बात है कि न्यू स्टोरीज़, न्यू कैरेक्टर्स, न्यू लहजा, न्यू बैकग्राउंड, ये सब हमको देखने में मज़ा आता है. एंड एज लॉन्ग एज इट इज़ एंगेजिंग, व्यूअर्स को भी मज़ा आता है. ओके, डू यू थिंक द मूवी कैन ब्रिंग द अवेयरनेस इन आवर सोसाइटी डिस्पाइट ऑफ द नैरेटिव टेलिंग समथिंग अबाउट स्टोरी और एनी कॉन्सेप्ट? या डेफिनेटली. इनफैक्ट उसका मुझे सबसे बड़ा एग्जाम्पल लगता है फॉर अ फिल्म लाइक क्वीन, क्योंकि यही अगर जैसे क्वीन में जो दिखाया गया है वो आई थिंक व्हाट क्वीन हैज़ डन फॉर फेमिनिज्म इन इंडिया बहुत कम फिल्मों ने किया है. क्योंकि एट नो पॉइंट डिड यू फील कि आपको कोई लेक्चर दे रहा है, एट नो पॉइंट डिड यू फील दैट आप एक न्यूज़ चैनल पे कोई एक लिबरल इंटेलेक्चुअल फेमिनिस्ट की बात सुन रहे हो. इट जस्ट टोल्ड योर स्टोरी इन अ वेरी सिंपल वे. ऑल्सो वॉट हेल्प वॉज कि वो जो कैरेक्टर था वो सब मतलब एक एवरेज इंडियन लड़की ने रिलेट किया उस कैरेक्टर से. बिकॉज नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं ना, वो कैरेक्टर ऐसा बनता है कि आप पहले से ही आप एलियनेट कर देते हो ऑडियंस को. तो जहाँ तुम वहाँ पे ऑडियंस ऑलरेडी वॉज विद द कैरेक्टर, आप वहाँ तक उनको लेके गए और फिर आपने उसको एक और जर्नी पे लेके गए एंड तब तक कैरेक्टर इज ऑलरेडी बॉट इन टू इट. सो सिमिलरली आई थिंक मूवीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है. और ऑल्सो क्या होता है ना, अ लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स. उनको मिथ होते हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं वगैरह. तो उनको ये दिखाना कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड क्योंकि मीडिया, क्योंकि मूवीज़ एंड फिल्म एंड वेब सीरीज़ दे आर ऑल सच विजुअल मीडियम्स, तो एक वो विजुअल इमेजरी का जो एक रोल प्ले है इन बिल्डिंग आर सबकॉन्शियस एंड सबलिमिनल मैसेजिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, Madhu, in real life, do you have any LGBT friends? Yes, many. I have LGB. Yeah, that's it. LGB. LGB friends. Okay, apart from 377, your one more upcoming show is that Tripping Season 2. Yes. So, how excited are you for that? I'm very excited because this is the first time I'm doing a season 2 of anything. So obviously मुझे पता लग रहा है इसके disadvantages क्या है, क्योंकि बहुत pressure है. और especially for a show like Tripling जो इतना popular हुआ था in season 1, तो अभी सबका वैसा हो रहा है कि अरे क्या होने वाला है, you know there's so much buzz around it. और मुझे लग रहा है नहीं guys, please don't keep your expectations low, क्योंकि expectations का एक खेल होता है मेरे हिसाब से. और अगर if your expectations are so high तो मुझे डर लगता है उससे. So I'm just keeping my fingers crossed. Okay, lastly, ma'am, movie 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है, so तो क्या कहना चाहिए fan, anything message you like to give? जस्ट कि ये 19 मार्च को रिलीज़ हो रही है ऑन Z5, इसे ज़रूर देखिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा एंड प्लीज़ वॉच इट. अगर आपको लगता है कि ये फिल्म आप अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एजुकेट पीपल इन आर फैमिली, स्पेशली आर पेरेंट्स जनरेशन, बिकॉज देर नॉट इट्स नॉट दैट देर बैड पीपल और यू नो दैट जनरेशन गैप जैसी जो चीज़ है वो
सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद उनको किसी ने बैठ के समझाया नहीं है. सो प्लीज़ समझाइए उन्हें और एंड मेक इट नॉर्मल यार. लेट्स स्प्रेड लव नॉट हेट. थैंक यू सो मच. ऐसे और बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स.